जनपद जालौन के अजीतापुर गांव में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाता था मुहर्रम का त्योहार। जिले में ताजियों को लेकर सुर्खियों में रहता था अजीतापुर गांव, जहां पर निकाले जाते थे ऊंचे ऊंचे ताजिए। लेकिन कोविड जैसी महामारी ने त्योहार के रंग फीके कर दिए, जिससे वो रौनक दिखाई नहीं दी जो प्रतिवर्ष होती थी। लोग दूर दूर से ताजियों को देखने आते थे। हर वर्ष अजीतापुर में सैकड़ों फीट ऊंचे बनाए जाते थे ताजिया, फिर रात्रि के समय दोनों ताजियों का होता था मिलाप। लेकिन आज की बात करें तो ताजिया तो बनाए गए हैं, लेकिन सरकार के प्रोटोकॉल निर्देशों की वजह से ना तो ताजियों का मिलाप हुआ और ना ही वो रौनक दिखाई दी जो पिछले कई वर्षों में होती थी। सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते दिखाई दिए लोग। जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के दिशा निर्देशों में मुहर्रम के दिन पुलिस विभाग भी रहा सतर्क। ये सदियों से चली आ रही परंपरा, कब याद में मनाया? ये इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में मनाए जाते हैं और हर साल इसी तरह हर्षोल्लास के साथ। लेकिन इस बार और पिछली बार कोविड 19 की वजह से हमारे गांव में ताजिए बनाए तो गए हैं, पर किसी तरीके से मिलाप नहीं हुआ न किसी तरीके का जुलूस हुआ है, क्योंकि सरकार की और शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस थी, हमारे नौजवान साथियों ने और अजीतापुर वाले जितने भी नौजवान साथी है उन्होंने भरपूर प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग किया है और उसका गाइडलाइंस जो कोविड 19 जो भी गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करते हुए अपने ताजियों को अपने स्थान पर फातिहा दरूद की है। कितने ताजिए बनाए जाते हैं यहाँ? ताजिए दो, बड़े बड़े ताजिए दो बनाए जाते हैं, कुछ छोटे ताजिए बनते हैं।